मोदी हटाओ देश बचाओ, देश तो हुकुमशाही की ओर चल रहा है, लोकशाही की ओर नहीं चल रहा है, दबाव तंत्र चल रहा है उनका, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। 24 में जनता वोटर बैंक में उनका वोट दे के दे देगी उनको। बेटी बचाओ एक जगह पे बोलते हैं, दूसरी जगह बेटी बेटी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, बोलने के लिए बोलते है लेकिन कर कोई नहीं रहा। उनको अपने अपने उद्घाटन और अपने सब इससे ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। ये उद्घाटन करो, यहाँ जाओ मेट्रो का उद्घाटन करो, इससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर जो है मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपस्थित हुई है। मणिपुर के मुद्दे हैं जो साफ तौर पर मणिपुर कितने दिनों से जल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ और जनता कह रही है मोदी ही आएगी, आप कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन बाकी लोग जो हैं जनता है पब्लिक है वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी ही आएगी। नहीं मैम, जो मणिपुर में हिंसा हुई है, दो पंथों में हिंसा हुई है, मोदी जी को ये भी पता चलना चाहिए कि जिस देश में एक स्त्री को महाकाली महादेवी महालक्ष्मी कहते हैं उसी स्त्री को नग्न धिंड करके लेके जा रहा है और मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं और पुणे में पुरस्कार लेने के लिए आए हैं, उनको मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आप यहाँ पर मोदी हटाओ के, लेकिन शरद पवार जी ही तो पुरस्कार दे रहे हैं ना उनको? नहीं ना, शरद पवार जी नहीं पुरस्कार दे, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनको शरद पवार जी ने नहीं दिया है पुरस्कार। शरद पवार जी को उन्होंने बुलाया था, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था जो 3 महीने पहले उनका उन्होंने लिया था अपॉइंटमेंट, इसीलिए शरद पवार जी वहाँ पे गए थे। वो भी कोई राजकीय वहाँ पे ये नहीं था, व्यासपीठ नहीं था। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है सबसे सुरक्षित सरकार है, क्या मोदी के हाथ में देश है, देश सबसे सुरक्षित हाथों में? बिल्कुल नहीं है, ये सब दहशत लोकशाही के विरुद्ध है, सब हुकुमशाही की तरह चल रहा है देश, हुकुमशाही। अमित शाह कह रहे हैं जितनी भी गठबंधन कर ले आएंगे तो मोदी ही। अमित शाह संसद में कह रहे हैं कि जितने भी गठबंधन कर लो आएंगे तो मोदी ही। वो उनका कुछ तो अलग होगा, उनका कुछ तो अलग अलग चल रहा होता है ऐसा तो नहीं, देश तो हुकुमशाही की ओर चल रहा है, लोकशाही की ओर नहीं चल रहा है। वो तो जो है तमाम लोकतंत्र का ही हवाला देते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखना। नहीं, दबाव तंत्र चल रहा है उनका, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन जो है तमाम लोग जो है दावे कर रहे हैं कि 2024 में मोदी ही आए। ये कुछ भ्रम में अंधभक्त है जो ये बात झूठी बात फैला रहे हैं, इस पे सर्वसामान्य जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। आज मणिपुर पूरा जल रहा था, उस पुणे में मोदी साहब एक पुरस्कार सम्मान में व्यस्त थे पुरस्कार लेने के लिए, इसीलिए हमको तो नहीं लगता है कि ये जो बातें चल रही है उसमें कोई तथ्य है या ये बातें आगे जाके चलेगी, और इसका जवाब निश्चित जनता आपको 2024 में दे देगी, पक्का दे देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। मैंने बोला आपको जो अंधभक्त है वही इस प्रकार के अंधश्रद्धा जिसको कहते हैं वो फैला रहे, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अमित शाह के लिए क्या कहेंगे संसद में? वो भी कह रहे हैं कि गठबंधन ता है, तुम जितनी कर लो आएंगे तो मोदी ही। उसका जवाब उनको 2014 में सर्वसामान्य जनता देगी, सर्वसामान्य जनता देगी। जनता भी, जनता चाहती है कि मोदी आए, जनता चाहती है कि मोदी आए, उसी का जवाब 2014 में जनता वोट 24 में जनता वोटर बैंक में उनका वोट दे के दे देगी उनको। थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है मोदी के खिलाफ में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर आपने सुना कैसे जो यहाँ पर तमाम लोग जो है उनका कहना है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो है वो जनता बता देगी कि आएगा मोदी ही या क्या कुछ है, वो 2024 के इलेक्शन में साफ तौर पर पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन जनता कह रही है कि देश जो है अभी सबसे सुरक्षित हाथों में। नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि बेटी बचाओ एक जगह पे बोलते हैं, दूसरी जगह बेटी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। हर एक जगह पे हर एक मिनट पे लड़कियों का अत्याचार हो रहा है, ये मतलब ये बिल्कुल भी दखल नहीं दे रहे।
वो तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई की जाएगी, हमारा मन दुखी हुआ है ये सब देख के। बोलने के लिए बोलते लेकिन कर कोई नहीं रहा। उनको अपने अपने उद्घाटन और अपने सब इससे ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। ये उद्घाटन करो यहाँ जाओ मेट्रो का उद्घाटन करो, इससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। तो वो तो प्रधानमंत्री है ना, देश में तमाम चीजें हैं, इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं मिला होगा। बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, बेटी बचाओ एक जगह पे बोलते हैं और दूसरी जगह पे बोलते हैं कि फुर्सत नहीं मिली है, ये बात तो हजम नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर देश जल रहा है तो प्रधानमंत्री को जो है सबसे पहले बोलना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि जब रेल दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री बोलते हैं, या जब भी कुछ होता है कोरोना आता है तो स्वास्थ्य मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री आगे आकर बोलते हैं। तो फिर मणिपुर जब जल रहा है तो प्रधानमंत्री आके स्टेशन पर पूछ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो ये सच में सवाल का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि प्रधानमंत्री को इस पर आके सामने आकर बोलना चाहिए। जिस तरीके से मणिपुर की तस्वीरें आई हैं उस पर प्रधानमंत्री का बोलना बेहद ज़रूरी है, और इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हुए हैं। और 2024 में इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 24 का इलेक्शन आएगा तो जनता जो है वो साफ तौर पर बता देगी कि मोदी आएगा या कौन आएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।